दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों आज हम जैसा हमने देखा था बास्केट्स लगती हैं, स्टील वाली जो बास्केट लगती है उसके नीचे टेलीस्कोपिक चैनल काम आती है। तो आज हम ये समझेंगे कि टेलीस्कोपिक चैनल कितने तरह की आती है, क्या क्या इसके अंदर वैरायटी है, क्या क्या प्राइस रेंज है और आपको टेलीस्कोपिक चैनल किस तरह से परचेज करनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए। आज बेसिकली चैनल्स के बारे में सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों पहले तरह की जो चैनल होती है रेगुलर क्लोज चैनल होती है, ये जो है सबसे बेसिक है टेलीस्कोपिक चैनल के अंदर। इसमें अगर इसकी फंक्शनिंग मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या होता है कि ये जो चैनल है ऐसे चल के और ये नॉर्मल क्लोज रहती है, इसके अंदर कोई सॉफ्ट क्लोज फीचर नहीं होता। लास्ट में सिर्फ ये रबड़ का लॉकिंग दिया होता है जहाँ पर जाकर ये चैनल लॉक हो जाती है, बाकी इसके अलावा कोई इसके अंदर ऐसा फीचर नहीं है कि सॉफ्ट क्लोज हो जाए। ये वाले चैनल की बात करें तो ये जो है 12 इंच से लेकर के मतलब स्टार्ट हो 8 इंच हो जाती है, लेकिन लगभग स्टार्ट तो 8 इंच से आती है लेकिन लगभग 8 इंच से लेकर के 22 इंच तक चैनल आती है जो किचन के अंदर काम आती है। बेसिकली 20 इंच की और 22 इंच की चैनल काम आती है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ तो नॉर्मल क्लोज की चैनल अगर अपन नॉर्मल ब्रांड में लेंगे तो 350 रुपये तक आ जाएगी, और अगर अच्छे ब्रांड में लेंगे हैटिक वगैरह में लेंगे या फिर प्रीमियम ब्रांड में लेंगे तो उनके अंदर लगभग चैनल जो है ये 550 रुपये तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों सेकेंड नंबर पर जो चैनल आती है वो सॉफ्ट क्लोज चैनल आती है। तो सॉफ्ट क्लोज के अंदर मेरे पास दो तरह की चैनल यहाँ पे रखी हुई है। ये वाली जो है ये हैटिक ब्रांड की चैनल है सॉफ्ट क्लोज के अंदर। सॉफ्ट क्लोज फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सॉफ्ट क्लोज का फीचर ये होता है कि जैसे इसको बंद करेंगे तो ये धीरे धीरे जाके लॉक होता है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अपन ने चैनल को किया और इसको बंद करेंगे तो ये धीरे धीरे जाके लॉक हो जाएगा इसके अंदर, तो ड्रॉवर अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी अपनी। तो ये सॉफ्ट क्लोज का फीचर होता है इसके अंदर। जैसे ये हैटिक ब्रांड की चैनल है और इसके अंदर एक एवरशाइन ब्रांड की भी मैंने निकाल के रख रखी है। मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है एवरशाइन ब्रांड, क्योंकि इसके अंदर जो क्वालिटी आती है प्रोडक्ट की वो काफ़ी अच्छी आती है। और इसका भी मैं आपको एक बार रनिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों काफ़ी स्मूथ चैनल है ये, और इसके अंदर भी वही सॉफ्ट क्लोज वाला फीचर है। एक बार अटकने के बाद में सॉफ्ट क्लोजिंग फीचर है दोस्तों। ये वाली चैनल भी आप ले सकते हो। इसकी अगर प्राइस रेंज की बात करूँ तो लगभग 650-700 रुपये का सेट आपको मिलेगा ये वाला। अगर आप थोड़ा सा हैवी ब्रांड जैसे हैटिक वगैरह में लाओगे तो हल्का सा 10-20% का कॉस्ट का और अंतर आएगा। दोस्तों ये दोनों चैनल जो है हम काम में ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए कि अंदर जाके लॉकिंग हो जाए तो सॉफ्ट क्लोज काम में लेनी है, अगर आपको ऐसा चाहिए नॉर्मल रेंज में चाहिए तो फिर आप नॉर्मल रेगुलर क्लोज ले सकते हो। दोस्तों सबसे प्रीमियम कैटेगरी की जो अब चैनल्स आ रही हैं वो क्वाड्रो चैनल बोलते हैं उसको। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये वाली चैनल किस तरह की होती है। ये देखिए दोस्तों ये जो है काफ़ी एक तो स्मूथनेस काफ़ी रहती है, और जैसा आपको दिखने से पता लग रहा होगा ये भी सॉफ्ट क्लोज में है। जैसे आप इसका फीचर देखोगे रनिंग देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये भी सॉफ्ट क्लोज में आती है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि बॉटम माउंटेड रहती है चैनल, मतलब इस तरह से लगती है। इसके ऊपर बास्केट प्लेस होती है, यहाँ से बास्केट के अंदर स्क्रू वगैरह का सहम आते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो चैनल की लोड कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मैं आपको इन तीनों चैनल को प्रैक्टिकली एक बार जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि चैनल कैसी चलती है, कैसी इनकी स्मूथनेस रहती है, कैसी उनकी रनिंग रहती है। अच्छा इसकी जो रेट्स वगैरह हैं उसका भी मैं बताना भूल गया। इसकी जो रेट्स वगैरह रहती है वो लगभग 1100 रुपये, 1000 रुपये से लेकर के 1300-1400 रुपये तक सेट आता है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड में डिफरेंट डिफरेंट रेट्स रहती है। दोस्तों चलते हैं हम उसकी जो है प्रैक्टिकली देखते हैं चैनल को लगी हुई। दोस्तों ये जो है हमारी पहले कैटेगरी की बास्केट है, ये इसका रनिंग देखोगे तो ये सॉफ्ट क्लोज नहीं है, इसको आपको पूरा बंद करना पड़ेगा तब जाके पूरी बंद होगी। तो ये फर्स्ट तरह की हमारी चैनल हो गई। इसके बाद में जो हमने सेकेंड कैटेगरी देखी थी सॉफ्ट क्लोज चैनल, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ तक हमें लेके आना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। एक बार दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ तक लेके आना है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। इसके बाद जो हमने तीसरी कैटेगरी की मैंने बताया था क्वार्टर चैनल बॉटम से जो फिट होती है, जिसमें आप देख रहे हो तो जो बास्केट है वो चैनल के ऊपर से कसाई में आ रखी है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको इसमें किस तरह से बास्केट कसाई में आती है। चैनल हमारी नीचे रह गई और बास्केट उसके ऊपर से कसाई में आ गई। इसके अंदर भी दोस्तों सॉफ्ट क्लोज का फीचर है, जैसे ये जाएगा तो ऑटोमेटिकली जाके बंद हो जाएगा, आपको टाइम तक बंद करने की पूरी आवश्यकता नहीं है, अपने आप फिट जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की चैनल्स की वीडियो। मेरे को उम्मीद है आपको टेलीस्कोपिक चैनल और क्वाड्रो चैनल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।